हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CHCS शांतम गुप्ता। आज आपके लिए एक यूनिक सेशन लेके आपको दिख रहे हैं। आज आपके सारे महाबली एक साथ स्क्रीन पर बैठे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं इनसे कुछ बहुत ही बर्निंग क्वेश्चंस जो अभी हर एक CA एस्पिरेंट या क्या मैं बोलूं हर एक क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट के मन में चल रहा है। आज पूछते हैं इन एजुकेटर्स को ये सारे सवाल और जानते हैं कि जब इनका टाइम था तो इन्होंने इस चीज को कैसे हैंडल किया। थोड़ा बातचीत करेंगे इनके बारे में और जानेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर इनसे कोई ऐसा सवाल करना है जो शायद मैं मिस कर गया हूं क्योंकि स्क्रिप्ट तो मेरे पास है नहीं, तो आप एक काम करो, नीचे कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कर दो और वीडियो को पहले ही लाइक कर देना क्योंकि इंडिया का मोस्ट लव्ड चैनल है तो बेस्ट कंटेंट तो होगा ही ना। तो सीधा चलते हैं अपने एजुकेटर्स के पास, पूछते हैं एक-एक करके सवाल। वेलकम आदि सर, वेलकम राकेश सर, वेलकम मैम टू द शो। एंड शो का नाम हम लोग कुछ रखेंगे, वो बाद में सोचेंगे। तो चलते हैं पहले सर, हम लोग अपने मोस्ट एलिजिबल बैचलर, थैंक यू सर, आदि सर के लिए था, आदि सर के पास। आदि सर, मेरा आपसे एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्यूट सवाल है। बताइए। अभी अभी 12th का रिजल्ट निकला और मेरे कुछ ज्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं आए। मैं उन एवरेज बच्चों में से हूं जो 70% के ब्रैकेट में है, ठीक है। और सर, पर मेरी एक ख्वाहिश है, मैंने अभी अभी हाफ CA सीरीज देखी और मेरा मन किया वो दीदी का स्ट्रगल देख के कि मैं भी उनकी तरह CA बनूंगा, तो क्या सर ये मुमकिन है? सर, अगर 70% आए आपको कॉमर्स स्ट्रीम में, मेरे तो कंडीशन उससे भी खराब थी। मैं तो साइंस स्ट्रीम से था, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता था। पर डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ और अच्छे टीचर के गाइडेंस के साथ बड़े आराम से ये कोर्स हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये कोर्स सच में टफ नहीं है, बस यहाँ पे डिसिप्लिन की जरूरत है। तो परसेंटेज एक्चुअली मैटर नहीं करते। हमने ये भी देखा है कि बच्चे जो बहुत एवरेज स्कोर करते हैं, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं, साइंस स्ट्रीम से आते हैं, व्हाटएवर, कुछ बच्चे तो ह्यूमैनिटी से भी आते हैं, वो बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो यार सर, मुझे नहीं लगता कुछ टफ है, बड़े आराम से हो जाता है। सर ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बड़े आराम से हो जाता है। बट सर एक चीज़ है, अभी जून का अभी रिजल्ट निकला, वी आर ऑलरेडी सिटिंग इन द मंथ ऑफ मे। द माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू, जून अटेम्प्ट तो होने नहीं वाला? बिल्कुल, मैं तो कर ही नहीं सकता अभी क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं क्या CA करूं या नहीं। तो सर, when is the next best attempt for me? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर किसी बच्चे ने अभी भी बिल्कुल शुरुआत नहीं करी है तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट अटेम्प्ट है, जहां पे फुल्ली प्रिपेयर जाना चाहिए, बस ऐसा पास होना है उस हिसाब से नहीं जाना, पूरा नॉलेज गेन करके जाना है ताकि आगे की जर्नी भी आसान रहे, तो सर जनवरी अटेम्प्ट बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि सर मैं आपको मेरी जर्नी बताता हूँ कि मैंने जब साइंस स्ट्रीम में था मैं, तो मैंने एक अटेम्प्ट स्किप किया था। मेरे लिए एलिजिबल अटेम्प्ट जो था वो था जून उस टाइम पे, लेकिन मैंने दिसंबर में दिया। उसका बेनिफिट ये रहा कि मैं इंटरमीडिएट और फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया क्योंकि मेरे पास नॉलेज का बेस आ गया था। तो बेस्ट अटेम्प्ट है, आराम से पढ़िए, अच्छे से समझिए सिलेबस को। मार्क्स तो क्या है, 300 के 350 करवा देंगे हम तब तक तो आपके। आदि सर ने बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई किया मेरे क्वेश्चन को। अब मेरा अगला सवाल एक ऐसे पर्सन से है, पहले मैं आपको सवाल बताता हूँ, गैस आप कर लीजिएगा कमेंट में मैं क्या पूछने वाला हूँ। भैया, 10वीं कक्षा तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बड़ा आरामदायक था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लगता था कि PCM कर रहे हैं, तो ले लिया 11th 12th में साइंस। फिर साइंस ने जिंदगी का सुख चैन समृद्धि तीनों को ले लिया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भैया अगर मैं अब साइंस से शिफ्ट मारना चाहता हूँ तो मैम क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ना हमारे पास आदित्य सर हैं। तो आदित्य सर भी एकदम साइंस बैकग्राउंड से थे और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में CA क्लियर भी किया है। अगेन, मैटर क्या करता है, आपका हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड साथ में बेस्ट गाइडेंस जो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो बिल्कुल तुम कर सकते हो, स्ट्रीम डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर हार्डवर्क। सर आपने जो सवाल फ्रेम किया था ना, मुझे लगा मेरी तरफ ही आने वाला है क्या वापस है? पूरा सुख चैन छीनने वाली बात हो रही थी तो मेरा छीना था। नहीं सर, आपकी तरफ हम लोग ने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोगों ने मैम को आज एक दूसरा सवाल दिया था पहले और फिर लास्ट मोमेंट में हमें वो सवाल को बदल दिया वापस से। तो अब चलते हैं हमारे रॉकी भैया की तरफ और रॉकी भैया से हमारा बहुत ही सिंपल सा स्टाइल, सिंपल सा सवाल उनके ही स्टाइल में। सर सबसे पहले दाढ़ी कहाँ गई? सर कटवा दी सर बीवी ने। अब दूसरा सवाल सर, ये जो पूरा लेंथ ऑफ टाइम पीरियड है CA के कोर्स में, आप कॉमर्स फील्ड से हो, ये दोनों वाले साइंस वालों ने बता दिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, व्हाट इज द रियल स्ट्रगल इन द कोर्स, व्हाट इज द मतलब दर्द कहाँ है?
सर दर्द कहाँ है, मैं थोड़ा ना ढंग से बताता हूँ। ट्वेल्थ में बच्चा जो पढ़ने का पैटर्न और स्टाइल होता है ना, उसको लगता है सीए फाउंडेशन में भी वही चल जाएगा। ओके। और वो और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर आप एग्जाम देते हो, आपको टाइम पीरियड देता है इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट ने तीन तीन अटेम्प्ट दे दिए पॉइंट, तो बच्चे को लगता है तीन महीने में पढ़ के कोर्स हो जाएगा। तीन महीने में पढ़ के अगर कोर्स हो सकता होता तो हर कोई सीए होता ना। पॉइंट, एब्सोल्युटली। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके टिक तो मारना नहीं है, आपको बैकग्राउंड का बेस भी पता होना चाहिए। तो इसी, और नया सब्जेक्ट आ गया आपके पास लॉ, आप ये लॉ कोई बीएसटी और इको तो है नहीं जो आप पहले पढ़कर आए हो। अकाउंट्स आप पहले पढ़कर आए हो, मैथ्स आप पहले पढ़कर आए हो, इको पहले पढ़ के आए हो, लॉ तो पढ़े ही नहीं। तीन महीने में आप जो पढ़कर आए हो उसका एडवांस वर्जन भी पढ़ना है और आपको एक नया चैप्टर भी, नया सब्जेक्ट भी पढ़ना है, विच इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। आपको चार सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक साल देता था ना सीबीएसई, तो यहाँ आपको ड्यूरेशन तो देना पड़ेगा ना। पॉइंट। बच्चे को लगता है कि यार जो सबसे पास आ रहा है ना अटेम्प्ट वो दे के बस मैं सीए बन जाऊं। सर बहुत, मैं बच्चों को बहुत प्यार से समझाता हूँ कि फिनिश लाइन पे पहुंच के आप नंबर वन होते हो, पहले भाग जाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पॉइंट, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं है, सही समय पे पहुंचना जरूरी है। तो बच्चे को लगता है कि बस नहीं नहीं पहला अटेम्प्ट आ रहा है मेरा जून, मैं तो इसी में दूंगा और मैं इसमें पास हो जाऊंगा। नहीं हुआ तो क्या करेगा? पॉइंट। मैं कह रहा हूँ चाहे तुझे अटेम्प्ट बाद में मैटर नहीं करेंगे, लेकिन वो मेंटल प्रेशर तो आ जाएगा ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन। खुद चाहे तुम्हारे घर पे कोई तुम्हें कुछ ना बोले, सब जानते हैं तूने तीन महीने में तैयारी करी थी, नहीं हो पाया बेटा दोबारा करेगा। एक बार रात को जब सोने बैठोगे तो लगेगा ना यार मेरा अटेम्प्ट रह गया। पॉइंट। या मैं तीन महीने और देता तो, या मैं ढंग से देता, या नई चीज पढ़ रहे हो प्रॉपर टाइम दो। ट्वेल्थ से कंपेयर मत करो, ट्वेल्थ से अलग है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। पॉइंट। प्रोफेशनल कोर्स में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मैटर करता है। स्कूल की मैडम ने दो दो बार प्री बोर्ड नहीं लिए हैं यहाँ पर, सही बात। यहाँ पर आपको वो प्री बोर्ड अपने लिए खुद एमटीपी के तरीके से सॉल्व करने हैं। इंस्टीट्यूट मौका देता है, जाओ एमटीपी फिजिकल फॉर्म में देके आओ, हम बैठे हैं हम लेते हैं फिजिकल फॉर्म में एमटीपी, हम कराते हैं फुल फॉर्म तरीके से पेपर। तो ट्वेल्थ में ना जिस तरीके से हाथ पकड़ के चलाते स्कूल की मैडम है ना, वैसे हम यहाँ बैठ चलाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका डेडिकेशन। हर टीचर यहाँ पे बार बार बोल रहा है डेडिकेशन जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है। फर्क क्या है, वहां पर आपको रोज सुबह जागना है और शाम को घर आना है। कुछ भी नहीं हुआ तो चार घंटे मैडम की बात तो कान में घुसती थी ना, और नहीं जाते थे तो पापा सुबह जबरदस्ती छोड़ाते थे। यहाँ पर आपको अपनी डेडिकेशन खुद दिखानी है, बस ये फर्क है सर, और कुछ फर्क नहीं है। आप इसी डेडिकेशन से रहोगे तो फाइनल कब क्लियर हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ना सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, पूरे कॉन्वर्सेशन में ना सर ने एक चीज को हाईलाइट किया, मुश्किल नहीं है, सफर कैसे तय करना है, सफर में कैसे आगे चलना है, वो सब हम गाइड कर देंगे। हम लोग बैठे ही इसी के लिए। हैंड होल्डिंग हमारी सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं होती कि बैच के स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी हैंड होल्डिंग है या वगैरह वगैरह, और फिर बाद में नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। वी आर विथ यू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। और इनफैक्ट देखो सर, अभी आप लोग भी देखो, अभी हम लोगों का एक महीना बाकी है जून के अटेम्प्ट के लिए। अभी हम लोग ने परसों ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की, पूरा सिलेबस दो बार पढ़ाने के बाद तीसरी बार फिर रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए तो हम इंडिया की नंबर वन टीम है, और कोई बात थोड़ी ना, इसीलिए तो हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भैया हमें बस आपसे क्या चाहिए सर? इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, बताओ सर। देखिए, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है ना, 12th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, 95, 98, 100 भी लाए कुछ बच्चों ने, और फिर वो देखते हैं कि जैसे फाउंडेशन आता है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होने लगता है, सिलेबस पूरा कवर नहीं होता, 80, 70 और कई बार तो बच्चे 50% पे भी पास हो जाते हैं। तो क्या हमें अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए या सच में 12th की तरह लेना चाहिए? और यहाँ पर पेरेंट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं, बोलते हैं 12th में तो तू इतने अच्छे परसेंटेज लेकर आया और फिर फाउंडेशन में इतना कम क्यों ला रहा है? क्या ये कोर्स टफ है या तेरे लिए? खास करके लड़कियों को भी बोलते हैं पेरेंट्स की तू छोड़ देना, इस तरीके से देखा है मैंने। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी माइंड सेट क्या होना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर बच्चे पेरेंट्स को भी दिखाएंगे, उन लोगों ने बच्चों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें? सर विराट कोहली IPL भी खेलता है, टेस्ट मैच भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, सारे फॉर्मेट्स में खेलता है, लेकिन अप्रोच हर जगह अलग होता है। आपने विराट कोहली की एक कमेंट है, उस पर उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि जब मैं इंडिया की जर्सी पहनता हूँ ना तो मेरे को पता है कि पूरा भारत मेरे पीछे है। आपने अगर अभी अनअकैडमी का रिसेंट एक ऐड आया था जिसमें था ना, वी आर द पावर बिहाइंड यू, सो वी आर ऑलवेज देयर बिहाइंड यू। अब पेरेंट्स का जो हम एक ही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करना चाहेंगे, आपके जो बच्चे हैं ना 12th से सीए बहुत अलग है, एज राकेश सर ऑलरेडी सेड इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, तो जो डिमांड और एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत अलग है। यहाँ पर एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, पता है आदि सर ने अभी पूछा क्या 12th का अप्रोच रहना चाहिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, 12th की क्लास से ना एक हैबिट पिक कर लेनी चाहिए, आप बहुत तरक्की करोगे, और वो हैबिट है टेस्टिंग।
सीए के कोर्स में सबसे ज्यादा बच्चा सिर्फ इसलिए फेल होता है क्योंकि इवैल्यूएटेड टेस्ट में नहीं बैठता, क्योंकि पढ़ाने वाला लेता नहीं है। आज आप ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पर चले जाओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस कंप्लीट, आप अपने घर आओ, अपने घर अब टीचर पहचानता भी नहीं उसके बाद। सर टेस्ट लेता है तो चेक करके नहीं देता, चेक करके नहीं देता। तो इवैल्यूएटेड टेस्ट बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स को मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके बच्चे सीए बनेंगे, उनका सपना साकार होगा, वो आपका नाम भी रोशन करेंगे, सिर्फ समय की बात है। आप अपने माता पिता, आप आज अगर अपने बच्चों के पीछे ढाल बन के खड़े रहेंगे ना, कल को वो जो दो अल्फाबेट जब आपके बच्चे के नाम के आगे लगेंगे ना, तो हर फैमिली गैदरिंग में आप ही बताएंगे मेरा बेटा सीए। और नाम की वैल्यू सीए वर्ड लगने के बाद मार्केट वैल्यू सिर्फ नाम की और नाम इज्जत सब मिल जाएगा। सर यहाँ पे बेटी भी बोल देना, नहीं तो कमेंट कर देंगे हमारी बेटियां भी सीए। अरे बेटियों को तो हम, आप अभी अगर आप एक ओवरऑल परसेंटेज देखो, आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगा नंबर ऑफ फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर्स में। इसलिए तो हम लोग ने मैम को भी रखा है फीमेल इंस्पिरेशन के लिए, कि मैम भी यहाँ पर पैनल पर बैठी है। मैम तो हमारी एकदम जीती जागती इसकी एग्जाम्पल है आपके लिए। मतलब हमारा तो जो हमारा ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन 2011 बहुत पुराना और अब में बहुत फर्क है। सर जैसे बच्चा 12th में आया, BST पढ़कर आया हुआ है, आप लॉ पढ़ाते हो, तो लॉ में यहाँ पर BCOM वाला हिसाब है कि इतने लिखूंगा तो 5 नंबर, इतना लिखूंगा तो 10 नंबर। एक्चुअली सर पता है बच्चा हमारे दिल्ली में बोलते हैं, दिल्ली बोर्ड में बोलते हैं DU में, कि गिट के हिसाब से नंबर मिलते हैं। बात सर ने बहुत सही बोली, बच्चा ऐसा सोचता है पता है कि भैया ये BST जैसा, एक एक बच्चे पहली पहली क्लास में पूछते हैं मतलब सर 4 नंबर के लिए 3 ही लाइन लिखेंगे। हाँ, मैं बस यही कहना चाह रहा था, होगा यही कहना चाह रहा था कि सर 3 लाइन लिख के जस्टिफाइड बिल्कुल सही आंसर दिया, नंबर मिल जाते हैं। तो सर देखो बात क्या है पता है, हम लोग एग्जामिनर को ऐसे सोचते हैं कि वो लंबा देख के नंबर दे। हाँ। उसके पास कोई स्केल नहीं बैठी है, उसके पास बैठे सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है, आपको आंसर्स जब लिखने हैं तो कीवर्ड्स को मैच कराना है, इसीलिए तो एक एक चीज को 6-6 बार पढ़ाते हैं, वरना तो हम आराम से एक बार पढ़ाएं फिर बोल दें जाओ रिकॉर्डिंग देखो और गाना जैसे दुनिया करती और रट्टा मार लो, और गाना लिख मार लो। तो गाना भी लिख देते हैं BCOM में तो। हाँ? आराम से गाना लिख देते। हाँ? शुरुआत BST से करी, बाकी तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। हाँ, तेरी प्यारी प्यारी दो की चार अखियां भी कर देते। और सवाल आज भाग का मैम की भी सवाल है। अच्छा आज मैम की भी सवाल। हाँ मेरा सवाल ये है, सबसे पहली चीज आपको मैथ्स कैसा लगता था पहले? मैम मैं मैथ्स के मार्क्स बताता हूँ, मुझे 150 मार्क्स का पेपर था 10th में, 60-60 और 30 इंटरनल थे, 149 आए थे, और 12th में आए थे मुझे 90। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते, पसंद तो बहुत था मुझे सब। मैं बताता हूँ, आप बताइए, डर लग रहा था। मैं बताता हूँ अगर जिन बच्चों ने मेरा सफर देखा उनको पता होगा मेरे 10th में टोटल मिला के 27 नंबर थे, मैथ्स में नहीं सब में। अच्छा सब में। तो सोचो मैथ्स में कितने हो गए। 11th-12th में मैथ्स नहीं थी मेरे पास, माइनस में भी मार्किंग होती है। 11th-12th में मैथ्स नहीं थी मेरे पास। उसके बाद मैंने जब CA शुरू करा तो हमारे टाइम पे 50 मार्क्स का मैथ्स और 50 मार्क्स का स्टैट्स होता था। अच्छा, और हाँ। दोनों में इंडिविजुअल पास नहीं होना था, टोटल 40 लाने होते थे। मैं पेपर लिटरली बता रहा हूँ, पेपर अटेम्प्ट करके आया था 50 मार्क्स का मैथ्स, 50 मार्क्स का स्टैट्स, 5 नंबर का एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता था P×R×T, एक वो अटेम्प्ट, 55 नंबर का पेपर करके आया था, मेरे 48 आए थे। यानी मैं मैथ्स आखिरी बार जब मैंने 10th में पढ़ा था बस वही तब पढ़ा था, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ना भी नहीं चाहता। हाँ, 10वीं में 50, 12वीं में 51। Nice. एक नंबर। दो साल में ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ है, ग्रोथ। ग्रोथ जरूरी है बच्चा, बड़ा छोटा नहीं, ग्रोथ जरूरी है। तो बच्चों इस सवाल का बेसिकली जो पूछने का मकसद था वो ये था कि आप देखो लाइव एग्जांपल है, यहाँ पे सर का मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, शांतम सर को भी इतना मैथ्स पसंद नहीं था, बट स्टिल पहली बार मतलब पेपर क्लियर किया, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से CA बन चुके हैं, तो बस आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम्हें मैथ से तुम्हारी नहीं बनती, सर की मैथ से नहीं बनती, उन्हें स्मार्ट अप्रोच अपनाया, राइट, मैथ्स का इक्वेशन बनाया। तो अभी आज भी बच्चा यही बात बोलता है, बोलता है सर आपकी CFA का, मैंने उस दिन बोला CFA 3rd की क्लास चल रही है, LR करना है, अभी मेरा रात में क्लास है। बच्चा बोलता है आप भी तो शिवानी मैम का ही क्लास देख रहे थे क्या, वन शॉट यार तुम लोग भी। अच्छा मेरा एक सवाल है। हाँ। कोई बैच वगैरह आ रही है हमारी और प्राइसिंग वगैरह भी बता देना। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बैच हमारी बच्चों, जनवरी के अटेम्प्ट के लिए हमारी योद्धा बैच, यस महाबली टीम प्रेजेंट्स द योद्धा बैच, आपके लिए एक नई शुरुआत लेके आ रहे हैं, और वो भी सर कितने में?
सर बहुत कम प्राइस है, मतलब बच्चे गैस नहीं कर पाएंगे 7999 में, मैंने ही करवा दिया, बता दिया फिर बोलते हो गैस नहीं कर पाएंगे इसलिए बता दिया। और बच्चों ये 7999 आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के स्टोर वाले ऑप्शन पर, तो आप वेबसाइट पे जब स्टोर पर क्लिक करोगे वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा विथ क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज एज वेल। और आप पूरे प्लेटफॉर्म का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जहां पर आपको पूरे मल्टीपल एजुकेटर सारे मिल जाएंगे, प्लस आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, प्लस हमारा जो AIRship मेंटर प्रोग्राम है जिसमें हम एंश्योर करेंगे कि आप 300 प्लस का स्कोर पास करें। लेकिन मतलब सिर्फ पास नहीं करना है CA फाउंडेशन, वो जैसे बोलते हैं ना एकदम मतलब माहौल बना के पास करना है कि 300 पास हो जाए, छू के दिया ना है, बताना है कि आए हैं, कि करा है, ऐसा नहीं कि मौत को छू के टक से वापस आ गए, अच्छे से करना है। तो बच्चों इसी नोट के साथ आज हम लोग सारे महाबली आपके साथ रैप अप करते हैं। याद रखिएगा यही आपका चैनल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू ऑल योर CA क्वेरीज, Unacademy 360 फाउंडेशन। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।